हाँ जी, के हाल चाल? बढ़िया सब। अब आपको दिख रहा होगा कि मैं बैठा हूँ किस पे, एक बॉल पे। जिम में ये वाली बॉल देखी होगी, योगा बॉल बोलते हैं इसको, जिम बॉल बोलते हैं, इस पे एक्सरसाइज करते हैं। अब जिन लोगों ने इस पे एक्सरसाइज किया उन्हें पता है कि बॉल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। हार्ड इन द सेंस कि ये ऐसे हार्ड नहीं है कि पत्थर जैसी हो, बट ये बहुत मजबूत होती है कि ऐसे फटती नहीं है। नॉर्मल कोई भी गुब्बारा हो, आप इसको फेंको या ज़्यादा भर दो तो फट जाता, बट ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। इतने कि मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, किसी गुब्बारे के ऊपर आप बैठेंगे तो वो फट जाएगा, बट इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये एकदम बढ़िया रहती है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, इस पर एक्सरसाइज करते तो बहुत मजबूत बॉल है। अब हम क्या करने वाले हैं इसके साथ, हम इस पर भरेंगे कोका कोला। ये कोका कोला इसके अंदर जाएगी, मतलब खाली ये नहीं जाएगी, एक कोल्ड ड्रिंक से तो कुछ नहीं होने वाला, तो हम इसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक भरने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, तो आपको पता होगा कि सबसे खतरनाक रिएक्शन कौन करता है कोका कोला में। ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम डालें और बहुत ऊंचा फाउंटेन जाए, तो क्या है वो? ना तो वो मेंटोस है, ना नमक है, तो क्या है? अगर आपने वीडियो देखी हुई तो आपको पता होगा, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से जो रिएक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। सबसे ज़्यादा जो हाइट पकड़ता है इसका, जो फाउंटेन निकलता है, वो बेकिंग सोडा से पकड़ता है, मेंटोस वगैरह से इतना नहीं जाता। तो वही करने वाले हैं, पूरी बॉल को कोका कोला से भर देंगे, फिर उसके बाद बेकिंग सोडा डालेंगे और देखेंगे क्या होता है कि बॉल फट जाएगी। जो इतनी मजबूत बॉल है कि जिसके ऊपर हम बैठ जाते हैं, इधर उधर एक्सरसाइज करते हैं, फेंक देते हैं, कुछ नहीं होता, क्या वो कोका कोला वाले रिएक्शन से फट जाएगी? या फिर एक बॉल जैसे बॉल है, पूरा एक फाउंटेन निकलेगा, क्या होगा? यही देखेंगे आज की वीडियो में। और यार, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि अब आप देखो, इतनी धूप में बैठे हैं कि चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब आपने इतनी मेरी वीडियो देखी होगी, कभी मुझे चश्मा लगाए नहीं देखा होगा, बट बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, अगर मैं चश्मा हटाऊँ ना तो देखो मेरी आँखें नहीं खुल रही, ऐसी छोटी छोटी आँख हो जाती है। तो इतनी धूप में हम आपके लिए वीडियो बना रहे, तो यार अभी तो एक छोटा सा काम कर सकते हो, हम इतनी मेहनत करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितनी आने वाली वीडियोज़ आप तब देख पाओगे, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस बॉल में भरते हैं कोका कोला। अब ये वाली बॉल जो है योगा बॉल, इसमें भी खर्चा हुआ है हमारा, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला, वो सब काफ़ी चीज़ें खर्चा हो जाता है। अब ये जो खर्चा होता है, इस खर्चे के लिए अपने YouTube से इनकम तो हो ही रही है, बट एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं यूज़ करता हूँ बिनोमो का, आप भी कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको चाहिए एक फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन। आपको अपने फ़ोन में बिनोमो की ऐप पर जाना है। तो ये बिनोमो की ऐप पर मैंने क्लिक किया, और ये देखो मेरा रियल अकाउंट है, 21,000 का बैलेंस है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में मिलता है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू में आपको लॉस भी हो सकता है, बट धीरे धीरे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी इनकम भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, आपको ग्राफ एनालाइज करना होता है कि ग्राफ जो है वो अप जाएगा कि डाउन जाएगा। अब इसको एनालाइज करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेंगे डिफरेंट चार्ट टाइप, माउंटेन, लाइंस, कैंडल्स, बार, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बार्स किया तो चेंज हो गया, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप इसको वैसे चेंज कर सकते हैं। अब जो टाइम फ्रेम है उससे भी आपको समझने में आसानी रहेगी, तो टाइम फ्रेम भी आप चेंज कर सकते हैं, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, जैसे आप चाहें उसको वैसे चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जैसे मुझे ग्राफ को देख के लग रहा है कि ग्राफ जो है वो अप जाना चाहिए या डाउन जाना चाहिए, इसको मैं एनालाइज करूंगा। बट इधर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट टाइप भी मिलेंगे, फ्री, स्टैंडर्ड, गोल्ड, VIP, जैसा आपका अकाउंट टाइप होगा वैसे आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो अभी ग्राफ को देखो, मुझे अभी एनालाइज करके लग रहा है ना कि ग्राफ को जो है ना अभी डाउन जाना चाहिए, तो मैं डाउन पर क्लिक करता हूँ, और ये देखो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 7,000 की। अब बस वेट करना रिजल्ट का। और ये देखो हमारी इनकम हुई है 12,810। तो देखा आपने, आप भी ऐसी बिनोमो से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वेट किसका, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से जाएंगे तो आपको $1,000 मिलेंगे आपके डेमो अकाउंट में। तो जल्दी जाओ बिनोमो से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना शुरू करो। अब सारी कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं और भरते हैं इसको जिम बॉल को, देखते हैं क्या होता है। तो सारी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी हैं बॉल में, देखा आवाज़ कैसी आती है, इसमें हवा के साथ वो टकरा के जैसे भी आती है तो बड़ी अजीब हो जाती है, हो रही है ना अजीब, देखो कैसी लग रही है आपको आवाज़, चेंज हो रही है ना। तो अब क्या करेंगे, बॉल में कोल्ड ड्रिंक फिल करेंगे, तो कोल्ड ड्रिंक फिल करने के लिए पहले हवा निकलेगी इसकी सारी, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे फनल, कुप्पी लगाएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक उसी से तो जाएगी, वरना छेद देखो कितना छोटा है। इसमें नॉर्मल ऐसी कोल्ड ड्रिंक डालेंगे तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे डालना, तो इसके लिए फनल का यूज़ करेंगे। पहले इसको खाली कर लें, बस इतना काफ़ी है, अब चले जाएगी। शिवम आ जा बैठ। तो फनल भी जुगाड़ है, एक ही है, दोनों लगेगी बड़ी। अभी
बोर्डिंग खोल आराम से। देख ले पूरी गाड़ी गाड़ी टाइम लगेगा। तो भाई बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट इसमें हमने कोल्ड ड्रिंक भरी थी लगभग आधी। फिर इसके बाद थोड़ी शेप देने के लिए, और ये थोड़ी आ जाए जैसी है, मतलब बॉल में हवा होती है, थोड़ी हवा है इसमें, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक है। और आवाज़ सुनो, इसमें आवाज़ अंदर से कैसी आ रही है। देख रहे हो ना इसमें कैसी आवाज़ है, और हिलने के बाद इसमें थोड़ा प्रेशर बढ़ भी गया है। और जहाँ पे हम यहाँ शूट कर रहे हैं यहाँ पे कांटे वगैरह भी है, तो बॉल एक साइड से हल्की सी कट भी गई है, और इस कट का हमें फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बेकिंग सोडा ये नन्ना सा होल था, इसके अंदर से जाता नहीं, तो बेकिंग सोडा इस होल में डालेंगे जहाँ पे हमने थोड़ा पंचर लगाया। देखो यहाँ पे इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और देखते हैं फाउंटेन बनेगा या नहीं। तो पहले बॉल को उठाने की कोशिश करूँ एक बार, नहीं उठ रही। तो अब इसमें डालते हैं बेकिंग सोडा और देखते क्या रिएक्शन होता है। तो मैं ये टेप हटा रहा हूँ इधर से, और हटा दे, डाल दियो, डालना तेरे को, डाल डाल, छोड़ 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 छोड़, डाल 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 इसमें डाल। हटा हटा हटा, ना ना ना, कोई रिएक्शन खास लग नहीं रहा। रखिए, छोड़ दे उसे, छोड़, इसे उठा, पकड़ इसे, और ये देखो कितना भारी है, दो जने लग रहे हैं इसे उठाने के लिए। ये रहा, ये तो बहुत ही खराब लग रहा है यार, जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा इसमें। उठा इसे, ऊपर से फेंकेंगे, उछालते इसको। आनिकी इधर इधर आ जा, इधर इधर आ, एक दो तीन, बहुत मजबूत, कुछ नहीं बिगड़ रहा इसका। डाल तो ये रिकॉर्डिंग सारी उठा ले, एक दो तीन। तो देखा क्या हाल हुआ है, इतनी मजबूत जिम वाली बॉल का भी बिल्कुल दो टुकड़े हो चुके हैं। अब ये हाल ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये रबर है। अब रबर कोई भी हो उसमें हल्का सा भी कट लगेगा ना, कट लगती वो इसे खुलता चला जाएगा। तो वहाँ पे जैसे इसमें अंदर कोल्ड ड्रिंक थी, पहले पानी के प्रेशर से एक्सपेंड करी थी, तब कट खुला, हमने उसको भी सील करने की कोशिश करी, जब हवा भरी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, फिर वो वहाँ से खुलती रही। तो ये होता है जब हम बड़ी बॉल में कोल्ड ड्रिंक भरते हैं और बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा अगर नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक में डालेंगे तो रिएक्शन मिलता है, बट इसमें डाला नहीं मिला, क्योंकि जब हम इसको डाल रहे थे ना तो कोल्ड ड्रिंक की गैस है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई, तो कोई रिएक्शन इसमें खास होता नहीं है कि ऐसे डालने पर। हमें बहुत मज़ा बहुत आया इसमें, पूरी को भरना एक अलग एक्सपीरियंस था। और ये कुछ बचा है तो इसको ऐसे भी ओढ़ सकते हो आप, अंदर बहुत ही अलग सी आवाज़ आती है,
कहीं बारिश वारिश पड़ रही हो ना वहाँ काम आ सकता है, बारिश पड़ रही है इसके सिर पे लेके ऐसे चल सकते हैं तो वहाँ ये काम आ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर मज़ा आया हो आपको, हमें तो बहुत मज़ा आया, पूरा भरना एक अलग एक्सपीरियंस था, फिर इसका रबड़ को खींचना, भारी कितना हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा भारी हो गया था, बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा वेट हो गया था इसमें, देखो कितनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक हमने इसमें डाली थी। अब ये जितना भी हम वेस्ट हुआ है यहाँ पे रबर का है, खाली बॉटल का है, अब इन्हें ले जाते हैं हम डस्टबिन में डालेंगे, यहाँ से पूरा साफ़ कर देंगे, क्योंकि यार कूड़ा वूड़ा फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आपको मज़ा आया वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यार इतनी मेहनत करें चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है। और अगर आपको कुछ पार्ट अच्छा लगा या कुछ और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में, कुछ नया करते हुए, कुछ और मज़े लेते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।